हाय भैया, कैसे सभी लोग। मैं भी अच्छा हूँ, आप भी ठीक ही हो के। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ मेरी दो दो साल की सभी बच्चियाँ हैं, उसे अगले एपिसोड में मैंने जो गाय दिखा थी वो सब बड़ी गाय थी, ये सभी इसकी बछड़ियाँ, और इनसे छोटी जो है वो तीसरे में एपिसोड में दिखाऊंगा। आज ये आपके लिए मेरी जो छोटी दो दो साल की बच्चियाँ हैं वो सब दिखाने जा रहा हूँ। ये जो बच्ची है कबरी, ये प्रदीप की बेटी है, भावनगर ब्लड लाइन से जुड़ी हुई है। और जो उसके पास जो खड़ी है सफ़ेद कबरी, वो अभी 4 महीने प्रेग्नेंट है, और ये मेरे कन्हैया से ही प्रेग्नेंट है, जो कन्हैया मेरे पास बुल था ना उससे ही प्रेग्नेंट है। और ये कुंडल लाइन से जुड़ी हुई है, ये जो कुंडल मंदिर है ना वहाँ का रूपा बुल था उसकी बेटी है। ये भी बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो। और अभी 4 महीने प्रेग्नेंट हो चुकी है, और वो भी 2 साल और 2 महीने की है। और जो ये खड़ी है इसको हम वेगड़ बोलते हैं, इसका नाम वेगड़ है। ये जो साबरमती फार्म का बुल है जो 57 नंबर का, उसकी बेटी है। ये भी बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हो उसकी गलकंबल, आंखें, कान, उसकी जो पीछे से जो हाइड बॉडी है, लेंस आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत है ये भी। और ये भी 2 साल की हुई है, सभी बच्चियाँ 2-2 साल की हुई है। और आगे हम जब बताएंगे वो लाल वाली है, लाल कबरी है, वो भी बताएंगे। ये प्रदीप की है पहले वाली, ये दूसरे वाली रूपा की बच्ची है, ये तीसरे वाली साबरमती फार्म की जो 57 नंबर का बुल था उसकी बेटी है। और ये मोर की बेटी है, और मोर है वो केसरिया का बेटा था, ये भावनगर ब्लड लाइन से जुड़ी हुई है। ये भी बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हो। उसकी आंखें, कान, गलकंबल। और ये भी मोर की बेटी है, जो मोरला है उसकी बेटी है। ये भी 2 साल की हुई है, ये भी बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। उसकी जो हाइट बॉडी है ना वो सभी पूरा मिल्किंग उसकी माँ का कर करके बड़ी हुई, इसलिए बॉडी टेचर्स में बहुत ही अच्छी होगी, आप देख सकते हैं आपके सामने ही है। मेरे जो भी एपिसोड है उसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी भैया आप बछड़ी तैयार कर रहे हो तो उसके जो अच्छी पेडिग्री वाली अच्छे बुल का सीमेंट डालो, और अच्छी बच्ची मिलेगी आपको। और उसकी माँ का दूध जितना वो चाहे उतना उसे पिलाना, तो भी उसकी हाइट बॉडी लेंस होगी, आप देख सकते हो। सभी की हाइट बॉडी लेंस देख लेना। और जो ये लाल वाली है लास्ट वाली, उसके पास जो खड़ी आगे वो सोन कपिला है, वो भी भूतोड़ ब्लड लाइन से जुड़ी हुई है। और ये भी जो बच्ची है लालपुरी दिख रहे हो, वो भी हमारे जो पवन था उसकी बेटी है, वो भी बहुत खूबसूरत है, अब देख सकते हो। इसके ये 1 साल की हुई है अभी, लेकिन 1 साल में उसने कितनी हाइट लंबाई कर ली देख लीजिए। कपिला कपिला हो, अब देख सकते हो कपिला को भी बहुत बड़ी होगी, वो भी अब 13 महीने की होगी है, अभी 1 साल और 1 महीने की, बहुत खूबसूरत है वो भी। इसलिए जो बच्चियां मिल पीपी के बड़ी होती है उसका रिजल्ट आपके सामने ही है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ भैया मिल्किंग के भागे आप दूध के पीछे भागोगे तो बच्चियाँ ऐसी नहीं होगी। इसलिए जो कम से कम नहीं पी ले दो स्तन तो बच्चे के लिए रख ही दो। मैं ज़्यादा आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा मिल्किंग बच्चे को, दो स्तन तो उसके लिए बच्ची के लिए रखना ही चाहिए, और उसका हक है दो स्तन का। तो
आप देख सकते हैं सभी। काफी खूबसूरत है सभी, और जो हमारा ब्रीडिंग का रिजल्ट है वो आपके सामने ही है। और मेरी गौशाला का नाम है मंगलेश्वर डेयरी फार्म, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, जूनागढ़ जिला, गुजरात। गांव है मेरा खडिया, जो जूनागढ़ के बगल में ही 12 किलोमीटर है। आप कोई भी विजिट आके कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है सभी बच्चियाँ, और जो हम लोग तैयार करते हैं और जो बनती है ना, हमको बहुत ही पसंद है। जो सभी लोग उनसे ही जो तैयार करते हैं, उसकी कोई भी दाम लगाए वो आपको देने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि जो आपने उससे बड़ी की वो आपको ही पहचान होगी कि ये कैसी बड़ी होती है। और इनमें से कोई बच्ची सेल करने की नहीं है, सभी मेरे ही ब्रीडिंग इनमें से सभी में से। और मैं बच्चा भी अब बहुत बढ़िया निकालूंगा, और बुल भी ऐसा छोड़ूंगा कि ये बच्चिया है नहीं, इससे भी वो जो आने वाला है ना इनमें से रिजल्ट, वो अच्छा मिलेगा मुझे।